अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। ये हजरात, इससे पहले कि मैं आपको गज़ल की दुनिया में ले चलूं, उर्दू अदब पर रोशनी डालने के लिए आज के हमारे मेहमान एजाजी से दरख्वास्त करता हूं, जनाब अजीज़ुल्लाह सरमद साहब तशरीफ़ लाएं और उर्दू अदब पर रोशनी डालें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ शोराए इकराम शायरात और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा उर्दू के चाहने वालों, मैं उस सरज़मीन से यहाँ आया हूँ जिसे गुलबर्गा कहा जाता है। गुलबर्गा में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ यीशुदराज रहमतुल्लाही अलैह आराम फरमा हैं और आप उर्दू के अव्वलीन नसर निगार हैं। तो ये बहुत अजीम शख्सियत, अजीम रूहानी शख्सियत हुई है और ये तारीख़ है कि हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान को सूफिया इकराम ने ही फ़रोग दिया। और फिर उर्दू वो ज़बान है जो कौमी यकजहती को फ़रोग देती है। आज दिल्ली से हमारी बहन आई हुई हैं, हैदराबाद से ज़हूर ज़हीराबादी, गुलबर्गा से मैं और बहुत सारे मुकामात से लोग यहाँ जमा हैं। तो ये उर्दू की मोहब्बत है जो हमको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करती है। तो उर्दू ही वो ज़बान है जो इस मुल्क में कौमी यकजहती और भाईचारे को फ़रोग देती है। और हम इस तारीख को भी नहीं भूल सकते कि इस मुल्क को, इस देश को आज़ादी दिलाने में उर्दू का सबसे अहम रोल रहा है। जितने भी इनकलाबी नारे आज़ादी में लगाए गए, तहरीक आज़ादी में, वो उर्दू से ही दिए गए। लेकिन अफसोस के आज ज़बानों को एक नफ़रत का ज़रिया बनाया जा रहा है। ज़बान तो तहजीब सिखाती है, ज़बान तो मोहब्बत सिखाती है, लेकिन अफसोस के आज ज़बानों को भी नफ़रत का ज़रिया बनाया जा रहा है और एक दूसरे से लड़ाने का ज़रिया ज़बानों को बनाया जा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ज़बानें मोहब्बत सिखाती हैं और फिर तहजीब सिखाती हैं, और जो शायर होता है, अदीब, और मैं सबसे ज़्यादा शायर को अहमियत देता हूं, अदीब और मुखर्रिर से ज़्यादा शायर अहमियत रखता है, क्योंकि उसने अब वो हर दौर में एक ज़बरदस्त इनकलाब बरपा किया। शायरी होता है जो अपनी शायरी से और शायरी में अपने इकदार से लोगों के दिलों को गरमाता है और एक तब्दीली लाता है और दिलों में नगमगी को पैदा करता है। तो अब जो शायर हमारे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो समाज में एक तब्दीली लाएं। शायरी जो है बहुत से मौजूआत पर की जाती है, लेकिन सबसे अहम काम शायर का ये होना चाहिए कि समाज में जो बुराइयां पाई जाती हैं, उन बुराइयों को किस तरह दूर किया जा सकता है, उस तरह की शायरी होना चाहिए। शायरी में एक पैगाम होना चाहिए समाज के लिए। और जो लोग आज नफ़रत का कारोबार फैला रहे हैं, उनको जवाब शायरी दे सकता है। तो मैं तमाम हिंदी और उर्दू के साथ साथ तमाम ज़बानों के, चाहे वो मराठी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो या फिर और कोई भाषा हो, उन तमाम भाषाओं के शायरों से यही गुजारिश करता हूं कि आप मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए, मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए, आज इसकी बहुत ज़रूरत है। अब मैं ये कहना नहीं चाहता कि नफ़रत की ज़बान किसकी होती है, इंसान की ज़बान तो मोहब्बत की होती है और शायर की ज़बान भी मोहब्बत की होती है। तो मैं तमाम, चूँकि काफ़ी देर हो चुकी है और हमको शोरा को भी सुनना है, मैं सिर्फ़ इस मुख्तसर से
पयाम के साथ हमारे भाई डॉक्टर अली साहब को मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहां मुझे मधु किया और इतनी खूबसूरत महफिल यहां इस खूबसूरत शाम के साथ सजाई है। और आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं कि लोग जो हैं शायरी की तरफ लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है, तो मेरी शोरा से ये भी गुजारिश है कि लोगों को पसंद आने वाली शायरी अगर की जाए, लोगों को खरीब करने वाली शायरी की जाए, तो यकीनन ये मुशायरे भी कामयाब हो सकते हैं। मुशायरों की एक बहुत बड़ी तारीख रही है, ऐसा नहीं है कि इस वक्त यहाँ इतनी कम तादाद में लोग हैं शोरा या ना समझें, और शोरा को तो चाहिए कि सामाइन की तादाद बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी उनको कलाम सुनाने में जोश आ सकता है, दिलचस्पी आ सकती है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज ज़माना तरक्की कर गया है, आज की टेक्नोलॉजी में आपको घर बैठे लोग सुनते हैं, आप सारी दुनिया में सुने जाते हैं, यहाँ चंद लोग आपको सुन रहे हैं ये नहीं है, हमारे भाई उसका पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए आप सारी दुनिया में इस मुशायरे को देखा जा सकता है। आज पहले का दौर ऐसा था कि मुशायरे में कलाम पढ़ दिया जाता था लोग घरों को चले जाते थे, लेकिन आज आप जो कलाम यहाँ पढ़ेंगे वो आपके बाद भी लोग आपको देखेंगे, ये बहुत आज की तरक्की है। और आप ये ना समझें कि लोग बहुत कम है, बल्कि आपका कलाम वीडियो में, ऑडियो में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर मौजूद रहेगा, जब तक लोग खोलकर आपको सुन सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप अपना पयाम सारी दुनिया तक पहुंचाएं। हिंदुस्तान का जो पयाम है वो मोहब्बत का पयाम है। मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत हर एक के लिए। यही पैगाम उर्दू का भी है, यही पैगाम हिंदी का भी है। शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अजीज़ुल्लाह सरमद साहब।